नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। 9:12 हो रहा है और यहाँ पे मार्केट ओपन होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक पोजीशन शेयर करने वाला हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का। यहाँ पे 42,700 का जो कॉल ऑप्शन है उसको मैंने किया है बाई, और 208 रुपये की प्राइस पे हमने बाई किया है। अभी लगभग 900 का लॉस बता रहा है मार्केट, गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं भी लॉस बड़ा भी हो सकता है। 75 क्वांटिटी है, ठीक है। अब लॉजिक क्या है वो जान लेते हैं। लगभग 15,000 के आसपास इसमें फंड यूज़ हुआ है तो लॉजिक जान लेते हैं। तो इस लॉजिक है कि मार्केट 2-3 दिन से ट्राई करता है अपसाइड जाने की, चाहे गैप अप ओपन होता है तो भी ऊपर चला जाता है, गैप डाउन ओपन होता है तो भी 12-1 बजे बाद ऊपर चला जाता है। तो लगभग ये सिनेरियो 3 दिन से चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि बायर स्ट्रॉन्ग है। कल के दिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया। देखो आप, तो काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई, डे हाई को भी ब्रेक किया। तो इसी लॉजिक के साथ हमने इस पोजीशन को लिया कि यार यहाँ से एक मार्केट बड़ा मूवमेंट या कर सकता है, अच्छा गैप अप हो सकता है। बट एज़ पर सबके साथ सिनेरियो कभी सेम नहीं रहता है। अगर आप देखो प्रीवियस डे, तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस बनाई थी कि यार मार्केट में बैंड पड़ चुका है, यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन है, तो उनके साथ भी यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया और हमारे साथ भी हम यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। अब सिंपल सी बात है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा और मार्केट यहाँ से गिरकर 42,400 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशंस, यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो एक नई रैली स्टार्ट कर देगा अपसाइड की तरफ। तो वेट करेंगे 1-2 मिनट का और बस हम जल्दी से अपनी ट्रेड काटेंगे। लॉस जो भी होगा एक्सेप्ट करना होगा हमें, ठीक है। और अगर देखो तो ओवरऑल पूरा मार्केट ही यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में कुछ खास गिरावट नहीं है, लेकिन 76 पॉइंट की हमारे बैंक निफ्टी में गिरावट है और 26 पॉइंट की हमारे फाइनेंस निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ गिरावट तो नहीं है, बट एक आप देख सकते हो फ्लैट ओपनिंग हो रही है मार्केट की और एक्सपायरी भी है, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलने वाला है मॉर्निंग में। जो भी लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं या फिर सेलिंग का, मैं भी सेलिंग, यहाँ पे बायर्स जब एग्जिट करेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छी सेलिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो एक मिनट की टाइम में थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए अच्छा मूव हो सकता है। हमें लॉस तो एक उठाना ही पड़ेगा आज के दिन में भी। यहाँ पे अगर कुछ इस लेवल के आसपास वापस निकल जाए ऊपर तो फिर मज़ा आ सकता है, इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए। ओके, मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है, अच्छी खासी रेड कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे गाइस मार्केट रेड कैंडल थी और वापस रिकवर हुआ है। देखो तो आप, मार्केट ने इस लेवल को प्रॉपर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी हमें वेट करना होगा, करना क्या चाहता है मार्केट। वो अगर आप देखो तो मार्केट इसके नीचे ओपन होने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे अभी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। मैं भी इस रेंज में कितना टाइम लगेगा वो तो पता नहीं है, पर देखते हैं कितना लॉस हुआ है। ओके, तो लगभग 2700-2800 रुपये के आसपास हमारा लॉस है और हाईएस्ट लॉस 3100 रुपये का था, ठीक है। तो यूँ है, अभी एग्जिट भी मारेंगे पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर ये निकल जाता है अपसाइड की तरफ तो मज़ा आ जाएगा हमें, है ना। तो थोड़ा बहुत लॉस हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, दिस कैंडल इज़, ये जो कैंडल है इस कैंडल में कुछ भी दम नहीं है, मतलब कि सेलर भी ट्राई कर रहे हैं, बायर भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और मार्केट है जो अपने प्रीव्यूज सपोर्ट लेवल बहुत नियर है, आप देखो तो हमारे पास इस रेंज के नीचे अगर आता है ना तो हम क्या एग्ज़िट मार देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक लॉस डिसाइड का है कि यार यहाँ से अगर नीचे आएगा तो हम लॉस लेके निकल सकते हैं। ओके, अगेन बायर्स ट्राई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 3 दिन से मार्केट में क्या होता है कि बायर्स ज़्यादा एंटर हो रहे हैं, स्पेशली आप देखो मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो बायर्स आ रहे हैं। तो अब बायर में कितनी स्ट्रेंथ बची है वो हम देख सकते हैं आज के दिन, जो भी होगा। ओके, अभी हम लॉस, हमारे जो पोजीशन उसको देखें तो रुपये के आसपास हमारा जो लॉस है वो पेंडिंग है, 1,000 रुपये आ चुका है। तो ये हमारी लॉस की पोजीशन है, जो कि लगभग 3,000 रुपये का हमने यहाँ पे मार्केट में लॉस देखा है, ठीक है। और अभी जो लॉस है वो थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें एग्ज़िट कर देना चाहिए? तो ओके, नॉट प्रॉपर सस्टेन,
तो हम यहाँ पे 2000 का जो भी लॉस है वो लेके एग्जिट मार देंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 2100 रुपये का लॉस लेने। तो अब इसके पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, एक बड़ा सा लॉस नहीं हुआ स्कैल्पिंग में, ये 5 मिनट में भी हमारा डन हो सकता है। तो लॉस हम उतना ही लेते हैं जितना हम रिकवर कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ एग्जिट मारा क्यों है। मेन चीज़ है, इस कैंडल को लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। ठीक है, जनरली आज है गाइस मंथली एक्सपायरी। अब मार्केट ओपन होते ही चारों तरफ नहीं भागेगा, मार्केट क्या करेगा, अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर नीचे होगा, डीके कराएगा। मैं भी आपको बड़ी रैली देखने को मिल जाए, फिर वापस डाउन साइड मिल जाए, तो जनरली ये अभी के टाइम में मेरे को दिख रहा है थोड़ा बहुत आएगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, पुट वाले जितने भी एंटर होंगे उनको ट्रैप करेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। फिर इस लेवल पे जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस है वो हिट होगा। यहाँ पे नए बायर्स आने वाले हैं कॉल ऑप्शन के। ठीक है, फिर ये यहाँ से वापस आ जाएगा, तो मतलब 12-1 बजे तक तो ये ट्रैप वाला सीनेरियो चालू रहने वाला है। तो कोई नहीं, 2000 का लॉस बुक करके ठीक किया हमने कि टाइम से एग्जिट तो कर दिया। ठीक है, तो कभी कभी लेना भी पड़ता है। अगर यहाँ पे अच्छा गैप अप हो जाता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता था। ठीक है, और गैप डाउन हो जाता तो लॉस भी हो सकता था। बट सिनेरियो जो लॉजिक था वो मैंने बताया कि क्या सिचुएशंस मार्केट में हैं, तो 2000 रुपये तो वापस रिकवर हो जाएंगे, पर लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।